सबसे पहले यूनिट, यूनिट आप डेसिमल ले सकते हो या इंजीनियरिंग भी ले सकते हो। यहाँ से मैं इसको ओके करा। ओके करने के बाद हम कमांड लगा देंगे इसके अंदर आई एम इमेज कमांड, आई एम इमेज एंटर करा। एंटर करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा एक्सटर्नल रेफरेंस के लिए। राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अटैच पीडीएफ। अटैच पीडीएफ में हमने मैंने जहाँ वो पीडीएफ डाउनलोड की थी वो वहां से हमको देनी है। ये वाली इमेज इसको ओपन करा, यहाँ से ओके कर दोगे, ये वाली इमेज मेरी यहाँ पर इंसर्ट हो गई, ये आ गई मेरी चीज। ये वाली डिजाइन आप ट्रेस भी कर सकते हो। ये हो, अब क्या करना आपको, पहले ये बनाना आपको रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल के अंदर अंदर डिजाइन बनेगी ना, तो आर सी एंटर फर्स्ट पॉइंट, इसमें मैं लेता हूं डायमेंशन के लिए डी। डी प्रेस करा, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो है 40 यानी 24, एंटर। फिर वाई एक्सिस की वैल्यू है 54, एंटर करा। ये इस तरीके, फिर हमको पहले ये बनेगी 5 फीट। यहां से आपको डिस्टेंस इसमें मेजर कर सकते हो, डीएलआई से कितना छोड़ा हुआ है, कितना नहीं, कितना कितना है। तो मैं यहाँ पे इसमें इसको पहले मैं एक्सप्लोडेड कर दूं, एक्सप्लोड एच एंटर, ऑफसेट कर लेता हूं। मैं इसमें डिस्टेंस ले लेता हूं 0.75 का। ओ एंटर, 0.75 एंटर। इधर जी अंदर की साइड में को पॉइंट सेवन फाइव एंटर, सेलेक्ट इनर क्लिक करना है, इसको डिलीट कर दे, बाहर हो जाएगा। अब इसकी थिकनेस क्या है वो देखते हैं। डीएलआई 2 इंच मानते हैं इसकी थिकनेस, 2 इंच लेता हूं मैं ऑफसेट, 2 इंच एंटर, इधर क्लिक करा। यहां से मैं एक लाइन यहां से लेता हूं, यहां से यहां क्लिक करा, टी आर एंटर, इसको ट्रिम कर दो। यहां पर अब इसमें क्या दे रखा है, अब यहां पर हम यूज करेंगे इलिप्स। एक इलिप्स कमांड होती है, ई एल का शॉर्टकट इलिप्स। यहाँ पे स्पेसिफाई एंड एक्सिस पॉइंट, सेकेंड एंड एक्सिस पॉइंट, और इसकी एक्सिस, मतलब डिस्टेंस कितनी इसकी हाइट रखनी है। मैंने इसकी हाइट दे ली 0.5, इसको डिलीट कर दो। इसके बाद यहां से यहां का डिस्टेंस 6 इंच है या 4 इंच, देखते हैं क्या था, 6 इंच होगा शायद मेरे, हाँ 6 इंच, अब 6 इंच है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं सीओ एंटर से, यहां से मैंने इसको कॉपी करा। एफएट ऑन कर दो आप, ऊपर लेते हैं 6 एंटर कर देता हूं। अब इसमें से मेरे को यहां से लाइन ड्रॉ करनी है और इसको मैं ट्रिम कर सकता हूं, वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से मैं इसको टी आर एंटर, इसको हटा देते हैं, इसको रखते हैं डिलीट, इसका मैं कर देता हूं ऑफसेट, ऑफसेट करता हूं 0.5। अब इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं, ई एक्स एंटर, इधर कैसे, एक तो हम इलिप्स से करें, एक हम किससे कर सकते हैं, ए आर सी से भी आर कमांड। फर्स्ट पॉइंट एफ एड बंद करो, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे इसका ध्यान दे दूंगा, थर्ड पॉइंट में यहाँ दे, बस लिस्ट को मैं हटा ही देता हूँ, ये लिस्ट नहीं होता। फिर ऑफसेट कर देते हैं, ऑफसेट 0.5, इसको आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है। और इसकी आप कॉपी सीओ एंटर, यहां से एफेक्ट ऑन, 6 इंच दे दो और, अब देंगे 12 इंच, अब देंगे 18 इंच, 24,
24 के बाद 30 दे दूंगा इस टाइप से। अब बीच में यहाँ पे गैप था कितने आया, 1 2 3 4 लेंगे तो 1 2 3 4 इसको हटा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वापस एक और है, सेलेक्ट करो सीओ एंटर, बेस पॉइंट यहाँ रखा, 6 एंटर यहाँ तक आ गए। इसके बाद यहां से मैं इसका इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 4 इंच ऊपर करना है, बाकी वाले को ट्रिम कर दो टी आर एंटर से, इसको यहां से वापस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर सर्किल है, एल एंटर करो, इससे ऊपर ले लो तो आप 0.25 ले लो। अब यहाँ पे सर्किल बना लो, इससे बड़ा है ना, यहां से बना के ले आगे सी एंटर, यहां से 2P फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सीओ एंटर कॉपी, इसको डिलीट कर दो। इससे ऊपर वाला को भी सीओ एंटर, सॉरी सी एंटर 2P एंटर, 2P से कर 2 पॉइंट से हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं 2P। अच्छा पहले सर्किल क्या बनाते थे, सर्किल में हम सेंटर पॉइंट लेते थे, हम सेंटर पॉइंट नहीं लेके मैं 2P लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ देते, सेकंड पॉइंट यहाँ देते। यहाँ पर इसको कॉपी करो या मूव करो, जो आपको इजी लगे वो यहाँ से उठाकर यहाँ लाना। अब आपको टी आर एंटर, अच्छा ये वाला दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा कर्व है तो इसको टी आर एंटर से हटा दो एक बार, इसको आप स्ट्रेच करो, यहां से भी स्ट्रेच कर दो, ठीक है। ये बांसुरी की कोई मेजरमेंट नहीं दिया था मैंने, तो इसलिए रफली ड्रॉ किया। हाँ सर, ये ठीक है। मैं इसको ट्रेस करूंगा, ट्रेस करने के लिए हम PL इंटर, गुड मॉर्निंग, आज सर लेट में थोड़ा क्या हो गया, बारिश आ रही थी मुंडे मुझे था, आज सैटरडे था सर, रात नहीं आओगे तो सेल्फी कर देगी संडे की, नहीं मजा आ गया सर, पर अपन नहीं कर रहे। एक दिन छुट्टी लेनी पड़ती हाँ सही है, यहां से स्टार्ट करता हूँ वापस, मैं लेता हूँ PL एंटर। देखो एक तो हम आर्क कमांड से आर्क बनाते थे, एक पीएल लाइन लेते हैं पॉली लाइन, पॉली लाइन में भी आप इसमें स्टार्ट पॉइंट तो यहाँ दे दे, स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, स्टार्ट पॉइंट देने के बाद यहाँ पर तो इसमें ऑप्शन आता है आर्क, पॉली लाइन के अंदर आर्क ऑप्शन आता है, ये लेता हूँ। इसमें आपको आर्क में भी देखो, इसमें देखो एंगल से आर्क बनता है, सेंटर से, डायरेक्शन से, हाफ फीट से, लाइन नहीं लेनी, रेडियस से बन जाता है। यहाँ से मैं सेकेंड पॉइंट लूंगा, सेकेंड पॉइंट से क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, सेकेंड पॉइंट में सीधा यहाँ दे दूंगा, एफेक्ट बंद करना है इसके अंदर, यहाँ सेकेंड पॉइंट दे दिया। अब मेरे को वापस लाइन लेनी है, एल एंटर कर दूंगा इसके अंदर तो ये वापस लाइन ड्रॉ करेगा, फिर वापस आर्क ए एंटर, आर्क के लिए एस एंटर करेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, फिर वापस लाइन चाहिए एल एंटर कर दूंगा, वापस लाइन बनेगी, वापस ए एंटर आर्क के लिए, एस एंटर सेकेंड पॉइंट के लिए,
वापस आर बनेगा, फिर वापस आपको एल एंटर करना है लाइन के लिए, वापस ए एंटर एस एंटर, फिर वापस आपको एल एंटर लाइन के लिए, वापस ए एंटर एस एंटर आर के लिए, वापस एल एंटर करना लाइन के लिए, ए एंटर एस एंटर, वापस एल एंटर, ए एंटर एस एंटर, यहां से यहां पर रखो, फिर वापस आपको एक क्लिक यहां कर दो, वापस इधर ले लो, ये हो गया। इधर का सीधा ये मिरर है तो इसको मिरर कर देंगे एम आई एंटर से, ये ये वाला सेम इलिप्स से बनेगा, ई एल एंटर करो इलिप्स, फर्स्ट पॉइंट यहां दे देते हैं, सेकंड पॉइंट यहां दे देते हैं, इसकी वेब अपने को नहीं। ये वाला सेम जो बनेगा वो पी एल एंटर करो पॉली लाइन, इसमें से स्टार्ट पॉइंट दे दो आप कहीं पर भी, ये मैंने यहां दे दिया, ए एंटर करता हूं एस एंटर करता हूं, यहां से यहां ले लो, फिर वापस यहां पे सेकेंड पॉइंट दे दो, अपने यहां पर इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हो ई एस एंटर से, इसको क्या करो पहले एक्सप्लोर करो, अब इसको आप ई एस एंटर एक्सटेंड करो, इस पॉइंट को आप एडजस्ट करो, इधर से सिलेक्शन करेंगे तो इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन, ये हो गया। ये वाला आप आर्क से वहां पर भी बना सकते हो, आर्क कमांड से लेना और कुछ नहीं करना, सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट एंटर एंटर करोगे वापस ऐसे चलेगा, एंटर एंटर ये आ गए, वापस आर फर्स्ट सेकेंड, वापस एंटर एंटर, वापस ये बना सकते हो इसको, ये पूरा बना के बता बन जाएगा, ट्रेस करना है इसको, कोई भी इमेज है ये तो बोलो मेजरमेंट दे रखी है, आप कोई दूसरी इमेज लोगे तो भी हो जाएगा, कोई तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लाइनें छूट गई जिसको एक्सटेंड कर देना आप, ये तो मैंने आपको एक्सटेंड इसलिए तो एड्रेस करना बताया, आप खुद से अकॉर्डिंग बनाओ तो भी बना सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कि मेरा आर्क अच्छा चल रहा है तो आप मैं खुद के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ, वो भी कर सकते, ठीक है बन जाएगी ये डिजाइन। दूसरी बताओ और भी है, ओम ओम वाली भी ट्रेस करो, कौन सी वाली बताओ मेरे को, ओम वाली भी इसमें देखता हूँ मेल पर, ये इसमें है जो ये वाली है। ये तो सेम ही है ना, ओम बनाओ ओम, ये और कौन सी थी, ये थी क्या ये वाली, चलो तो इसको भी बना देते हैं, इसको पूरा बना ही लेंगे कोई दिक्कत, इसको बिना ड्रेसिंग से बनाना IAT एंटर, डाउनलोड में जाइए,
सॉरी, IAT में नहीं आएगा, IM से आएगा। इमेज से राइट क्लिक, अटैच पीडीएफ, ये रही, इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ये इसके ऊपर मर्ज होगी ना, वो एंटर, इसको इधर लेते हैं। इसमें आपको पहले तो सर्किल बनाना 48 बाय 48 का, मतलब 24 रेडियस का है, मतलब इसका डायमीटर हो जाएगा। सी एंटर करो, सर्किल, इसमें डी एंटर करके 48 लिख दूंगा तो डायमीटर का बनेगा, ये बन गया। अब आपको इससे यहाँ पर ऑफसेट, ये मतलब मेजरमेंट आपको काउंट करने हैं, बाकी हम बना लेंगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बताया इसने, 3 का ये ऑफसेट है, 0.75 का ये ऑफसेट है, ये वापस 5 का ऑफसेट है, ये वापस वही 0.75, नहीं 1 का है। जो इसके अंदर वाला पॉलीगॉन वगैरह बना, मैं बनाता हूँ। ऑफसेट, ऑफसेट लेना आपको 3 का, अंदर क्लिक करा, पहले आप सर्किल बना लो जो जो आपको चाहिए, फिर वापस इसको मैंने ऑफसेट करा 0.75 का, फिर वापस ऑफसेट करा 5 का, फिर इसके बाद वापस ऑफसेट करा 1 का, फिर वापस ऑफसेट करेंगे 2 का, फिर वापस इसके अंदर सर्किल बना ले डायरेक्टली, वो सर्किल बना लेते हैं हम 6 का, छोटा बन रहा है, थोड़ा 7 का आंकड़ा बना लेना है ना। आपको क्या करना है, एल एंटर करना है, यहां से एक लाइन लेनी है, यहां से यहाँ लाइन ली मैंने। अब इसमें ऑब्जेक्ट गिनो कितने आ रहे हैं, इसमें शायद ऊपर वाले 32 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 45 में ये आ रहे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 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
एंगल होता है कितना, कैसा होता है, 360 डिग्री होता है। हम्म, तो 360 को 36 थे ना, पूरे ऑब्जेक्ट के 32 थे, 32 32 32 को डिवाइड कर दो 360 से, कितना एंगल आता है एक बीच में, करो कौन है ना सबके पास, तो ऐसे तो कितना एंगल आएगा एक ऑब्जेक्ट के बीच में, एक ऑब्जेक्ट कितने एंगल में बन जाएगा। हाँ 11.25 है ना। तो मैं इस लाइन को रोटेट करता हूँ, आर ओ एंटर रोटेट, रोटेट करा मैंने, रोटेट यहां से करूंगा, सी एंटर करूंगा कॉपी के लिए, 11.25 एंटर कर दिया। वो जो एक डिजाइन बनेगी वो इसके अंदर बनेगी, वो एक वाला फ्लोर है जो है ना, तो 11.25 का भी आप आधा कर सकते हो, हाफ करना चाहो तो उसका भी आधा कर दो, तो शायद आएगा 5.725 समथिंग आता है, 7.25, 11.25 का हाफ कितना हो जाएगा, अच्छा अगर वहां से नहीं, 5.6 स्ट्रेट शॉट, ठीक है तो इसको मैं रोटेट करूं, रोटेट यहां से बेस पॉइंट ले लेता हूं, सी एंटर कितना करना है, 5.625। हाँ इसको डिलीट कर दो, ये वाली नहीं चाहिए, इसको मैं मिरर कर देता हूँ एम आई, वो वाली डिजाइन मेरे को इसके अंदर अंदर बनानी है, ये वाली आर्क ले लो यहां से, ठीक अब इसको क्या करना, मिरर करना है एम आई, एम आई एंटर, दोनों को इसको इसको ज्वाइन कर दो, जे एंटर से इसको कर देना आपको एरे, डे से आर पोलर
सेंटर पॉइंट यहां रह जाएगा, आइटम दे देंगे 32, एंटर एंटर एंटर, ठीक है ये वाला बन गया। बट इसमें नीचे वाले में ऑफसेट है ना, अब इसमें से आपको ये ट्रिम करना है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा ऐसे दे रखा है बीच में से, ये इसमें ट्रिम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये रह जाएगा यहाँ पर आप ट्रिम कर देंगे, नहीं तो आप एक ऑब्जेक्ट में ट्रिम कर दो, इसके बाद इसको एरे करो तो अभी आप बाद में ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में ट्रिम कर दो उसको एरे कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर बना लो, इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके आधे है ये ना, तो इसको मैं दोनों जितना एंगल आ रहा है उतना एंगल कर दूंगा मैं ना, डिलीट कर दो इन दोनों को, लाइनों को सेलेक्ट करा, आरओ एंटर करा, बेस पॉइंट यही रख दूंगा, सी एंटर कर दूंगा, 11.25 दे दूंगा इधर, और इसको मिरर कर दूंगा। अब यहां पे वो आर्क बनाना है बड़ा वाला, इसके बीच में आएगा, सेलेक्ट एम आई एंटर, इन दोनों को सेलेक्ट करो, जे एंटर से ज्वाइन कर दो, और सेम प्रोसेस डे से आर पोलर सेंटर पॉइंट, आइटम कितने थे 16 आ जाएंगे 16 आइटम, ठीक है। इसमें ऑफसेट कर रखा है तो ऑफसेट आप इसको ऑफसेट कर देंगे तो इसमें और डिजाइन आ जाएगी, 0.25 का साइज ऑफसेट है। इसके बाद इस बार इन दोनों को मैं डिलीट कर, लाइनों को डिलीट करता हूं, इसकी नीड नहीं है। अब मैं यहां बनाता हूं पॉलीगॉन, पी ओ एल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन वो है जो 10 साइड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड का है, मैं यहां पे साइड डाल देता हूं 10, एंटर, यहां से सेंटर ये ले लेंगे, इन सर्किल लेंगे, और आपको F8 1 रख के कर सकते हो, यहां मैंने इसको रोटेट करना पड़ेगा आपको 45 डिग्री, नहीं सॉरी हाँ आर एंटर कर देते हैं, सेंटर पॉइंट ये ले लूंगा, ये रोटेट होगा, इसको डिलीट कर दो, ये मेरे को नहीं चाहिए। इसके बाद इसको आपको ट्रेस करके ले आओ, अगर वो डिजाइन बना उसको कॉपी करके इसमें ले आया, इसके अंदर लेके आ जाना फॉर्म को, ठीक है। इसको ट्रेस भी कर सकते हो आपको, ट्रेस हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और कोई हाउस नहीं, बाकी बना लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बनानी है आपको सारी ड्रॉइंग्स, कोई नहीं बनेगी मैं बताऊंगा क्लास में, कोई नहीं कमांड यूज की थी इसके अंदर हमने, इलिप्स थी और तो कोई यूज की नहीं थी मेरे साथ, हर पॉलीलाइन वाला आर्क तो मैं